नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है और थोड़ा सा लंबा भी रहेगा, तो मैं चाहूँगा आप पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए। बहुत ही जोरदार ट्रिक हम लेकर आए हैं प्रमुख समाज एवं संस्थापक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जोरदार ट्रिक है। परीक्षा में, हर परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न आता है। जी हाँ, अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए तो मिनिमम एक प्रश्न इससे ज़रूर आएगा। तो आज मैं आपको जो ट्रिक देने वाला हूँ, गारंटीड उससे आप मात्र 2 सेकंड के अंदर सही आंसर टिक करेंगे बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए। तो चलिए चलते हैं स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले आप लोगों के सामने है दोस्तों, आपके बाईं तरफ यानी इधर आप जो है ये संगठन लिखा हुआ है, संगठन, और यहाँ पर इसके संस्थापक हैं यानी जिन्होंने प्राइमरी इसे स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो ये कौन से हैं? ये हैं संस्थापक, ठीक है। तो ये कौन सा संगठन है? विश्व भारती। और इसकी स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्या ट्रिक है दोस्तों? इसकी ट्रिक नहीं, इसका एक कॉन्सेप्ट है सिंपल। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें लगभग सभी जानते हैं भारत में, जो भी आप तैयारी कर रहे होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर रहने वाले कहाँ के थे? बंगाल में, बंगाल के रहने वाले थे, और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी स्थापित की थी, जी हाँ, वर्धमान में। ये जगह है वर्धमान में, अगर आपने नहीं देखा तो नेट पे जाके एक बार सर्च कर लीजिएगा, जिससे आपके मानस पटल पे अच्छे से बैठ जाए ये बात। वर्धमान में इन्होंने एक यूनिवर्सिटी स्थापित की थी जिसका नाम था विश्व भारती विश्वविद्यालय। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और भारतीय मूल्यों के आधार पर शिक्षा देना। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक तरीके से इसे किया जाता था, मतलब कृषि मूल्यों पर आधारित। कृषि यूनिवर्सिटी नहीं है बट कृषि मूल्यों पर आधारित ये यूनिवर्सिटी थी, जिसमें कला, संस्कृत, साहित्य, ये सारी चीज़ों पर विशेष रूप से पढ़ाया जाता था। आज भी है ये यूनिवर्सिटी, और इसके जो वाइस चांसलर होते हैं, इसके जो चांसलर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वो इसके चांसलर हैं। बाकी यूनिवर्सिटियों के जो चांसलर होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, वो राष्ट्रपति होते हैं, और स्टेट यूनिवर्सिटी के राज्यपाल होते हैं। लेकिन ये अकेली यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसके जो चांसलर हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, और ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, क्या रामकृष्ण मिशन, और इसकी स्थापना किसने की? विवेकानंद ने की। कैसे दोस्तों तैयार होगा? सिंपल है दोस्तों, विवेकानंद जी हमारे एक आध्यात्मिक गुरु थे, एक कहें हमारे राष्ट्र में एक बहुत बड़े लीडर थे, स्पिरिचुअल मास्टर थे। तो इनके जो गुरु का नाम था वो क्या था? वो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, ये इनके गुरु थे। तो बस यही, अपने गुरु के ही नाम पर इन्होंने संस्था की स्थापना कर दी, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, अपने गुरु के ही नाम पर इन्होंने स्थापना कर दी। नेक्स्ट लेते हैं क्या ब्रह्म समाज, और इसकी स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। तो दोस्तों कैसे ये तैयार होगा? सिंपल है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है? राम और मोहन दोनों की बात हो रही है, यानी मोहन किसे कहा जाता है? कृष्ण को, यानी राम और कृष्ण दोनों की बात कर रही है। तो यही दोनों तो ब्रह्म है, यानी कि यही दोनों तो ब्रह्म है भाई, राजा जो राम और मोहन, यही दोनों ब्रह्म है। तो ऐसा ही व्यक्ति ब्रह्म समाज की स्थापना कर सकेगा जिसके नाम में दोनों आ जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है? आर्य समाज, और इसकी स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कैसे तैयार होगा? बहुत सॉलिड, बहुत सिंपल ट्रिक है दोस्तों। आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है नोबेल पर्सन। आर्य शब्द हमारे संस्कृत में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है कि हे आर्य, हे आर्य पुत्र, हे आर्य व्यक्ति, ऐसे करके, मतलब तो नोबेल पर्सन के लिए ये। और जो नोबेल पर्सन होता है, आपने अगर रामायण देखी होगी तो देखा होगा सीता जी ने राम को भी कई जगहों पर आर्य पुत्र बोला है। तो आर्य पुत्र, आर्य यानी कि नोबेल पर्सन, जो विशेष योग्यता वाला व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति है, उसके लिए बोला गया है कि अच्छे व्यक्ति के लिए। तो जो नोबेल पर्सन होगा उसमें क्या होगी? उसमें दया इम्पॉर्टेंट है, हमारे संस्कृति में दया का बहुत बड़ा मान है। तो वही बात यहाँ पर की गई है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद आ जाएगा, जब आर्य याद आए तो आप उसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए, नोबेल पर्सन, और नोबेल पर्सन में क्या प्रमुख होता है? दया होती है। नेक्स्ट लेते हैं अगला क्या, प्रार्थना समाज, और इसकी स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने की। कैसे तैयार होगा दोस्तों? दोस्तों प्रार्थना समाज यानी प्रार्थना करने से रिलेटेड, और यहाँ पर आ रहा है केशव चंद्र सेन। तो केशव किसका नाम था दोस्तों? कृष्ण भगवान का नाम था, और ये नाम किसने दिया था? ये अर्जुन बोलते थे, ध्यान रहे, केशव नाम सिर्फ अर्जुन ही कृष्ण को बोलते थे, और किसी ने भी कृष्ण भगवान को केशव नहीं बोला, सिर्फ अर्जुन ने बोला। तो अर्जुन, आपको पता होगा कि
समर भूमि में, यानी कि जब युद्ध हो रहा था, तो वहाँ अर्जुन अपने दोनों हाथों को जोड़ के कृष्ण के सामने बैठे थे। आपको बहुत जगह ये पेंटिंग्स देखी होगी, आपने हाथ जोड़े कृष्ण के सामने बैठे हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन एक तरह से प्रार्थना ही कर रहे हैं कि हे केशव, मुझे ये युद्ध नहीं लड़ना है, मैं अपने बंधु बांधवों को नहीं मार पाऊंगा, यही प्रार्थना कर रहे हैं। तो बस जैसे प्रार्थना समझ आए आपके दिमाग में, ये कहानी तुरंत आनी चाहिए। और कहानी जब आप ऑप्शन में देखोगे तो आपको लगेगा कि आपकी कहानी के नज़दीक सिर्फ एक नाम पड़ रहा है, वो है केशव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या, दीन इलाही, और इसकी स्थापना किसने की, अकबर ने की। कैसे तैयार होगा, सिंपल है दोस्तों, अल्लाहो अकबर। अल्लाहो, इलाही जो है ये अल्लाह शब्द से आया है, अल्लाहो है ना, अल्लाह शब्द, अल्लाहो अकबर। तो आप जब भी, जो मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोग हैं, जब वो अपनी प्रेयर करते हैं तो उसमें बोलते हैं अल्लाहो अकबर, तो सिंपल है यहाँ पर इलाही अकबर, वही सिंपल उसी तरीके से ये इसे कोरिलेट हो जाएगा, अल्लाहो अकबर यानी इलाही और अल्लाह, और इसके बाद क्या आता है, अकबर आता है। तो इस तरह से आपको ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, ये सिख धर्म, और ये किसने स्थापना की, गुरु नानक ने। इसमें सिंपल है दोस्तों, सिख यानी कि कोई सिख, और ये आपको कौन देता है, ये कोई, ये समझिए कि नाना की उम्र का व्यक्ति देगा, नाना की उम्र, जो हमारे नाना, यानी कि कोई हमारा जो बुजुर्ग है, जो हमारा बुजुर्ग है वही हमें सिख दे सकता है। और भला कौन देगा, जो सबसे बुजुर्ग आदमी होगा वही तो देगा, तो नाना, इससे आपको नाना याद रहेगा। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आपको पहले से ही पता होंगी, लेकिन यदि थोड़ी सी भी समस्या हो रही तो आप इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, और बाकी जो कठिन है उनके लिए तो आप ट्रिक का ज़रूर प्रयोग करिए जो हम बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, और इसके इस संस्थापक कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इसमें क्या है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी इंडियन सोसाइटी का सर्वेंट, ठीक है, इंडियन सोसाइटी का सर्वेंट। तो जो इंडियन सोसाइटी के जो सर्वेंट हैं वो क्या हैं, वो गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण, जो गोपालक लोग थे वो कृष्ण के क्या थे, जो गोपालक लोग थे वो भी कृष्ण के क्या थे, वो सर्वेंट्स ही तो थे, जितने भी गोपालक थे गोकुल में रहते थे वो कृष्ण के क्या थे, सब सर्वेंट थे, उनके इर्द गिर्द घूमते रहते थे, उनको सहयोग देते रहते थे, तो वो सर्वेंट ही थे एक तरह से, दोनों में से यही सिमिलरिटी है, और इस तरीके से आप बेहद आसानी के साथ कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या, थियोसॉफिकल सोसाइटी, और इसका क्या है, मैडम ब्लावस्की। तो ये कैसे तैयार होगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी सॉफ्ट की बात हो रही, सॉफ्ट, और यहाँ मैडम ब्लावस्की यानी मैडम बोली, मैडम कैसा बोलती हैं, मैडम बोलती हैं सॉफ्ट, मैडम बहुत सॉफ्ट बोलती हैं, सॉफ्ट, थियोसॉफिकल, थियोसॉफिकल से आपको सॉफ्ट याद आना चाहिए। और कौन बोल रहा है, मैडम बोल रही, जाहिर सी बात है जो मैडम लोग होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बोलती हैं। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, अगला क्या, प्रार्थना समाज, और इसके संस्थापक कौन है, M.G. रानाडे। अभी पीछे प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, केशव चंद्र सेन, और यहाँ पर M.G. रानाडे। तो दोस्तों वो तो आपको याद ही रखना है, इसके साथ साथ M.G. रानाडे भी उनके साथ थे, तो कई बार परीक्षा में आपको केशव चंद्र सेन ना देके M.G. रानाडे दे देगा, उस स्थिति में आप ये करना, आपको एक गाना पता होगा, मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। तो इसमें क्या कर रही है, प्रार्थना ही तो कर रही है, मुझको राणा जी माफ़ कर देना, गलती मारे से हो गई। आपने गाना सुना होगा करण अर्जुन का, राणा जी अमरीश पुरी बैठा रहता है, तो बस वही चीज़ है, यहाँ पे तैयार हो गई आपकी। नेक्स्ट लेते हैं हम तत्वबोधिनी सभा, और इसके संस्थापक कौन है, देवेंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों तत्व का बोध कब होगा, तत्व का जब दोस्तों बोध हो जाएगा आपको, तो आप क्या बन जाओगे, देवता बन जाओगे, देवेंद्रनाथ टैगोर, यही बात तो हो रही है, यानी तत्व का बोध होते ही आप देवता हो जाओगे। जैसे ही तत्व बोधनी आए, आपको दिमाग में आ जाए कि यदि मुझे तत्व का बोध होगा तो मैं क्या बन जाऊँगा, मैं देवता बन जाऊँगा, देव बन जाऊँगा। और ऑप्शन में आप देखोगे तो आपको देवेंद्र ही देवता के सबसे नज़दीक लगेगा, और ट्रिक कर दोगे बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों याद करोगे तब याद होगा, नहीं तो ऐसे रटते रह जाओगे, किसी भी परीक्षा में बैठोगे भूल जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सत्य शोधक समाज, और इसकी स्थापना किसने की, ज्योतिबा फूले। कैसे तैयार होगा, दोस्तों सत्य की का जो शोध होता है वो करने के लिए क्या जलानी पड़ती है, ज्योति जलानी पड़ती है, सिंपल सी बात है। सत्य का जो शोध है यदि आपको करना है तो उसके लिए आपको ज्योति जलानी पड़ेगी, बस यही तैयार करना है। नेक्स्ट लेते हैं अगला क्या, श्री नारायण धर्म परिपालन, और ये किसने किया, श्री नारायण गुरु योग्यम। ये तो सेम नाम है,
बिल्कुल, यहाँ भी नारायण आ रहा है, यहाँ भी नारायण आ रहा है, तो सेम है, इसमें कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है बहिष्कृत हितकरणी सभा, और इसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर अंबेडकर। दोस्तों इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, बहिष्कृत लोगों का यानी कि जो शेड्यूल कास्ट थे, जो उन लोगों के लिए जो हित करने के लिए जो एक सभा का निर्माण किया था, वो कौन करेगा? डॉक्टर अंबेडकर करेंगे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो एजुकेशनिस्ट थे, रिफॉर्मर थे, हमारी सोसाइटी की बहुत सारी जो समस्याएं थी उनको समाप्त करने, या समाप्त करने क्या कहें कि इनिशिएट लेने में इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया, तो इसीलिए इन्होंने ये बहिष्कृत हितकरणी सभा स्थापना की। तो बस यही इसकी ट्रिक है कि बहिष्कृत लोगों का हित करने की कौन कर सकता है? अंबेडकर कर सकते हैं, ठीक है। बस नेक्स्ट देखते हैं देव समाज, और देव समाज की स्थापना किसने की? स्वामी सत्यानंद अग्निहोत्री। दोस्तों जो देवता होते हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि अग्नि की आहुति देनी पड़ती है, यानी यज्ञ हवन करना पड़ता है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो राक्षस होते थे वो हवन में विघ्न डालते थे, ऐसा इसलिए ताकि देवताओं को शक्ति ना प्राप्त हो पाए, क्योंकि देवताओं की शक्ति अग्नि से ही, मतलब हवन आदि से ही बढ़ती थी। तो बस वही था कि इसको रोकते थे, तो यहाँ पे देव आ गया, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि देवताओं को अग्नि की जरूरत होती है। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, देवताओं में सबसे बड़े देव कौन है? अग्निदेव। अग्निदेव सबसे बड़े देव हैं, क्योंकि अग्नि सब चीजों का नाश कर देती, समाप्त कर देती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या? अभिनव भारत, और इसके संस्थापक कौन है? वीर सावरकर। कैसे तैयार होगा दोस्तों? अभिनव का मतलब क्या होता है? नया। अभिनव का मतलब नया, नूतन, नवीन, और यहाँ पर सावरकर, संवार कर, इसे आप संवार कर याद कर लें, सावरकर को संवार कर। दोस्तों जो नई चीज़ होती है उसको हम बड़ा संवार के रखते हैं। आपकी नई नई बाइक आती होगी तो आप उसे हमेशा पोछ पाछ के रेडी रखते होगे। आपके पास नया लैपटॉप है, नया मोबाइल है, तो आप 10 बार देखोगे, सोचोगे हाथ से ना गिर जाए, बिल्कुल संवार के, ऐसे बिल्कुल जैसे नया 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 जब बच्चा होता है नया, तो उसकी बड़ी सेवा की जाती है। थोड़ा बड़ा हो गया तो चाहे धूल मिट्टी में कुछ भी खेल रहा हो, तो बस वही है, अभिनव का मतलब होता है नया, और जो नई चीज़ होती है उसे इंसान संवारता है। इस तरीके से आपको दोस्तों ये तैयार हो जाएगा। दोस्तों आपको ट्रिक कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हम ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, ए निबेसन, बी सरोजिनी नायडू, सी इंदिरा गांधी, डी मैडम भीगाजी कामा। इसका जो आंसर है हम चाहेंगे आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए, और हाँ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए ताकि और लोगों का भी भला हो सके, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को, ताकि हमें हौसला अफजाई हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी ट्रिक के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।